चलिए देखिए, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं। वन, स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली वो टेंसर है, वो भी देख लेते हैं। टेंसर क्यों है? बिकॉज अनलाइक अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है। वेक्टर में अगर मैं आपको वी एक्स वी वाई वी जेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस, अगर मैं इसके तीन कंपोनेंट्स बता दूं, इफ आई टेल यू दीज थ्री, देन यू नो ऑल अबाउट दिस कंप्लीटली, यू हैव द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? यू विल एबल टू ड्रॉ इट। अच्छा, वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, यू ड्रॉ दिस वी। नाउ एक्स वाई जेड वॉज दिस ओरिजिनली, बट इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन विद यू, नाउ इफ यू वॉन्ट दिस इन सम अदर कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक्स इसको कर लें, वाई इसको, और जेड टूवर्ड्स यू, नॉट विजिबल, इट इज टूवर्ड्स यू, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ठीक हो गया ना? नई डायरेक्शन, दिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम इज नॉट विजिबल टू यू। नाउ यू विल ईजीली चेंज दिस इंटू जीरो एंड जीरो, एंड देर आर सो मैनी अदर कॉम्बिनेशन, बट वो आपको एंगल्स का पता है, कॉस थीटा साइन थीटा यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट यू हैड दिस थ्री, आपको वेक्टर का पता है। स्ट्रेस का प्रॉब्लम क्या था? स्ट्रेस का प्रॉब्लम ये था कि नॉट ओनली द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो इसमें भी है, शुड बी नोन, बट देखिए इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बता भी मैं आपको दूं। यू नो दैट एट वन पॉइंट यू कैन पास दिस इंटरफेस एंड अनदर इंटरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तीन इंटरफेस गुजार सकते, किसी भी एक पॉइंट को आप कट करना ना, तो वैसे तो इनफाइनाइट इंटरफेस गुजार सकते हैं, बट वी हैड स्टडीड दिस एंड वील प्रूव इट लेटर ऑन, नॉट नाउ, दैट इफ यू नो द कॉम्पोनेंट, थ्री कॉम्पोनेंट्स ईच on one interface, then you know three components each on second interface, and then you know three components each on the third interface, so that all these three interfaces are perpendicular, mutually perpendicular. If this is the situation, then you have all the information. अब देखें ना, नौ हो गए इस component, इधर तीन थे, इधर नौ थे, एक बात। दूसरी बात, why do you call it tensor? लेट मी फिनिश वॉट आई वॉज आई हैड स्टार्टेड। ये वाला और ये वाला, इसकी मैं आपको डायरेक्शन भी बता दूँ, मैग्नीट्यूड भी बता दूँ, बट दे आर ऑन डिफरेंट इंटरफेसिस, आई हैव टू टेल यू विच ऑन विच एरिया दे आर एक्टिंग, है ये पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, बट पॉइंट भी कोई इंटरफेस टच को आपने कट किया ना, तो दैट इंटरफेस, जैसे ये एक बॉडी है, इसके अंदर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी एक्सपोज कर सकता, इसको मैं इसी पॉइंट में से मैं कितने गुजार सकता। हमने कहा ये इनफाइनाइट पे तो हमें गुजारने की जरूरत नहीं है, बट वी स्टिल नीड टू पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट्स एंड देन गेट नाइन नंबर्स, नाइन, एंड वंस वी हैव दीज नाइन नंबर्स, देन आफ्टर दैट इट्स जस्ट लाइक अ वेक्टर, यानी आप फिर उसके अलावा, अभी तो आपका ये एक्स वाई और जेड ऐसे है ना, but after that you may have x prime y prime z prime in any direction, infinite combinations, you can easily transform this. balki ek step aur aage gaye the, humne kaha tha ki ye jo nine components hain isme se bhi symmetry hai, so actually jo teen niche wale hain ye repetition hote hain upar ke teen ke, so actually six components only which are unique, so if I know six components of stress at a point, then I know everything about that. यानी उसके बाद जितना मर्जी घुमाते रहे उसको, ये हमने एक चीज पढ़ी थी, then we went on to strain, ठीक हो गया, strain, वो भी टेंसर है। अब टेंसर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अनलाइक वैक्टर जिसको हम वी एक्स वी वाई वी जेड या दूसरे लफ्ज में वी आई से डोनेट कर देते हैं, यानी आई टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, टेंसर में क्या होता है, मैं आपको सिंबॉलिकली बता रहा हूँ, आई जे हो, फर्स्ट वन विल टेल यू विच, फॉर इन दिस केस ये वाला जो है इसमें ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सो दिस शुड बी x, और ये j किस डायरेक्शन में है, चूंकि ये y डायरेक्शन है, तो y, नाउ विदाउट दिस x
you only know the direction, you don't know which you are it could be this one, it could be this one, matlab kaun se wale ki baat kar rahe hain. So you need two, and that is why it is called a tensor. And if you want to be technical about it, this is a tensor of second order, और जो आप वेक्टर जिसको जानते हैं वो टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है. आप इसका इंडेक्स के नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है टेंसर का. दिस इज व्हाट वी डिड. अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो एप्सिलॉन आया. एप्सिलॉन भी उसी तरह है, इसके भी सिक्स, मैं लंबी बहस में नहीं जाऊँगा, इसके भी सिक्स कंपोनेंट्स हैं. वैसे नाइन है बट सिक्स यूनिक कंपोनेंट्स. ठीक हो गया ना, यहाँ तक हम कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ऐसे कर लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए. देर इज, एंड दैट रिलेशनशिप हैज टू बी फाउंड आउट इन द लैब. ये मैं एनालिसिस से अंदाजा नहीं लगा सकता. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे अगर कहूँ कि एक खास लोड मैं लगाऊंगा किसी बॉडी पे, कितना स्ट्रेस पैदा होगा, आप इसका कोई ना कोई एनालिसिस कर सकते हैं ना. सिंपल केस में, सिंपल केस की बात आज कर लेते हैं. इफ आई टेल यू दिस इज पी एंड दिस एरिया इज वॉट एवर एरिया, तो आप घर बैठ के थोड़ा बहुत इस किस्म का अभी आपकी जो नॉलेज आप मालूम कर लेंगे ना कुछ ना कुछ. डू यू नीड टू गो टू द लैब फॉर दिस? नो यू डोंट, जरूरत नहीं है, एनालिसिस से हो जाएगा. ठीक है, बट नाउ इफ आई टेल यू एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पी हाउ मच इट डिफॉर्म्स, इस लंबाई में इजाफा होगा, इसके थोड़ा सा बढ़ जाएगा. वॉट इज दिस डेल्टा? देर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग दिस आउट सिटिंग इन योर रूम. इसका तो एक ही तरीका है, मेक दिस दिस ऑब्जेक्ट ऑफ सम मटीरियल, जिस भी मटीरियल की बात हो रही है, पुल इट, अप्लाई दैट फोर्स एंड देन फाइंड आउट वॉट काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन डू यू गेट. इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए लैब जाना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, अगर इसके लिए लैब जाना पड़ेगा तो इनके रिलेशनशिप के लिए भी लैब जाना पड़ेगा. वाई? बिकॉज फॉर वन मटेरियल दिस विल बी, फॉर द सेम स्ट्रेस दिस विल बी डिफरेंट, फॉर द अदर मटेरियल दिस स्ट्रेन विल बी डिफरेंट, क्योंकि जाहिर है कुछ मटेरियल स्टिफ है कुछ स्टिफ नहीं है. सो हमें लैब जाना पड़ेगा. तो दिस सेगमेंट, टुडेज सेगमेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज ऑल अबाउट the information we get from the laboratory. Okay, I'll come to that. I'll ask some basic questions, I'll answer some basic objections, but before that ek important point hai, aur wo, why do we talk about, ye humne pehle zikr kiya tha but ye important point hai, hum stress aur strains ki baat kyun karte hain, hum load aur deflection ki baatein kyun nahi karte hain aamtaur par. ab aaj bhi aap dekhiyega hum material properties, mechanical properties of materials की बात करेंगे तो we'll talk about stresses and strain, we'll not talk about loads and deflections. Hooke's law का नाम सुना हुआ आपने? What is Hooke's law? Sir, force जो tension के बंदे के proportional होती है. Yes, exactly right. आप अगर elastic एक खास level तक चीजों को force apply करते हैं तो वो 1 न्यूटन फोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मिलीमीटर है तो 2 न्यूटन फोर्स के लिए ये इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 2, इसको लीनियर कहते हैं, 3 मिलीमीटर के लिए 3 होगा. एक खास पॉइंट के बाद फिर वो कुछ और हो जाता है, उसको छोड़ दें. हमारा इस सब्जेक्ट में रिलेशनशिप बस हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होगा, जहाँ तक ये प्रोपोर्शनल होते हैं. बट माई क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, ये हुक, रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था लॉ कि ऐसे होता है. बट नाउ व्हेन वी टॉक अप इन 2021, व्हेन वी टॉक अबाउट हुक्स लॉ, वी डोंट टॉक अबाउट लोड एंड डिफ्लेक्शन. उसने लोड और डिफ्लेक्शन से ही किया था. वी टॉक अबाउट द सेम थिंग, वी टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. वी से दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बेसिकली. ठीक है, अच्छा व्हाई? पहली बात तो ये बता दूं कि हुक को पता ही नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या. Hooke died in about 17, I think 10 or something. ठीक है, 300 साल पहले. तो
उस वक्त तक स्ट्रेस का पता ही किसी को नहीं था होता क्या. सो ही ऑल ही डिड वाज टॉक अबाउट फोर्स. एक उसने वायर्स ली मुख्तलिफ उन पर खींचा, तो उसने कहा अच्छा ये इस वायर पे मैं जब इतना फोर्स लगाता हूँ तो इतनी डिफ्लेक्शन होती है, जब मैं उसे डबल करता हूँ डबल डिफ्लेक्शन होती है. ये उसका बेसिकली पॉइंट. उसके बाद थॉमस यंग ही ट्रांसफॉर्म दिस फ्रॉम लोअर डिफ्लेक्शन टू स्ट्रेस स्ट्रेन. उससे पहले ये कौशी साहब थे, उन्होंने स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दे दिया था. नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेल मी इन वन सेंटेंस और टू सेंटेंसेज वॉट इज रॉन्ग विद फोर्स एंड डिफ्लेक्शन. Why do we need stress and strain in the first place? Pehle ye batao. So taki distributed loading ho sake. Taki kya ho? Distributed loading. I guess force to uska resultant hoga. Haan, dekhiye, chale, theek hai, okay. I understand. Aap kuch us taraf aa rahe hain but maybe not in the correct words. Dekhiye, main aapse agar kahun ki ye steel hai, स्टील का एक स्पेसिमेन है मेरे पास, और मैं उसको जब इतना लोड लगाता हूँ 100 न्यूटन तो वो इतना एक्सटेंड करता है. मैं आपको इस तरह की बात कर रहा हूँ. डू आई टेल यू एनीथिंग अबाउट द मटेरियल ऑफ स्टील? कुछ बताता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं बताता. उसकी वजह ये है कि आई हैव नॉट टोल्ड यू हाउ मच एरिया इज कंसर्न. यानी दूसरे लफ्जों में, मैंने स्टील का एक खास वायर ली, एक खास डायमीटर की वायर है D1, उस पर मैंने फोर्स लगाया और कोई डिफ्लेक्शन हुई और मैंने उसको प्लॉट कर दिया ऐसे फोर्स को डिफ्लेक्शन के साथ. ये तो ठीक है बात कि ये सीधी लाइन आएगी, ये बात सही है एक खास लेवल तक. बट नाउ इफ आई मेक द डायमीटर डबल, व्हाट डू यू थिंक? एक और लाइन आ जाएगी, है ना? अभी भी सीधी होगी, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, बट अब उसका स्लोप डिफरेंट हो गया ना. लेकिन एक थिक वायर को उसी फोर्स के साथ मैं थिक वायर खींच रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन कम होगी ना, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, अच्छा मैं इससे आगे स्टेप चला जाता हूँ, यानी और बड़ा करते हैं इसको. तो ये अपनी अपनी जगह सारे लीनियर हैं, बट इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन सी है? कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं. दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द एरियाज. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फोर्स एंड डिफ्लेक्शंस आई डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट द मटेरियल. अब आए जरा स्ट्रेस स्ट्रेन पे, कितनी खूबसूरत बात होने लगी है, चेक कीजिएगा. ये आपके सामने है डेटा. मैं ऐसा करता हूँ कि ये छोटे वाला डी, फिर उससे बड़ा डी और फिर उससे बड़ा डी, ये है ना. तो मैं बजाय इसके कि फोर्स का कंपैरिजन करूँ, मैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर लूँ. इसका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. जाहिर है अब होगा क्या, प्लॉट में इधर स्ट्रेस करूँ, नॉट फोर्स बट स्ट्रेस, क्योंकि मैं एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ. अब जाहिर है एरिया बढ़ता जाएगा तो मुझे उसी डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, राइट? समझ रहे हैं ना? तो एरिया बढ़ाते जाऊँगा, फोर्स बढ़ती है तो उसका रेशियो सेम रहेगा, बिकॉज नाउ इट्स अ मटेरियल प्रॉब्लम. स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस पे कितना डिफ्लेक्शन होता है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है. स्टील होगा तो कुछ और होगा, एल्यूमिनियम होगा कुछ और होगा. ठीक है, ये तो एक बात होगी. अच्छा, अब दूसरी, आर यू फॉलोइंग मी नाउ? This is why I, because this, जब मैं आपसे कहूँगा ना इसका स्ट्रेस इतना इस बढ़ में, तो आप ये नहीं पूछेंगे एरिया कितना उसका, कितनी थिकनेस थी. फोर्स में आप पूछेंगे भाई ये डिफ्लेक्शन हुई, अच्छा तो उस बॉडी की जो फोर्स आप लगा रहे थे उस बॉडी का एरिया कितना था, ये तो बताया ना, फिर आपको सिचुएशन पता चलेगी. जब मैंने स्ट्रेस बता दिया ना तो स्ट्रेस मी ऑलरेडी हैज द एरिया इनकॉर्पोरेटेड, डिवाइड कर चुके हैं, नॉर्मलाइज कर चुके हैं. अच्छा, द सेम थिंग गोज ऑन द एक्स एक्सिस. आप डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन का वही मसला है कि एक लंबी तार को मैं खींचूं उसी फोर्स से तो उसमें एक खास डिफ्लेक्शन आएगी, मैं छोटी तार को खींचूं तो उसमें डिफ्लेक्शन कुछ और होगी, सेम फोर्स है. एक बड़े रोप को मैं उसी फोर्स से खींचता हूं तो उसमें कुछ चेंज इन लेंथ आएगा ना? छोटे से रोप के पीस को मैं खींचूंगा तो क्या उतना ही चेंज इन लेंथ आएगा? डेफिनेटली नॉट. तो जब मैं कहूंगा इतनी डिफ्लेक्शन होती है, आप फिर आप मेरे से पूछेंगे लेंथ कितनी है उसकी? पूछना चाहिए आपको, क्योंकि आई डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट द मटीरियल अनलेस आई टेल यू इतनी लेंथ मटीरियल की इतनी एक्सटेंड हो. देखे ना, रबर की छोटी सी लेंथ भी खास एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन स्टील की उतनी एक्सटेंशन के लिए मुझे बहुत लंबी लेंथ चाहिए, क्योंकि स्टील में स्टिफनेस ज़्यादा है. वॉट वी डू हेयर अगेन, डिवाइड बाय द टोटल लेंथ विच इज नथिंग बट स्ट्रेन. तो जब इसको मैं स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ. दूसरे लफ्जों में अब हुआ क्या कि वो जो आपके ये जो मुख्तलिफ ये चीज़ें थी ना, वो एक लाइन पे आ जाए. नाउ दिस इज मटीरियल प्रॉपर्टी.
These were not material properties, ये structure की properties. Structure means इसमें जो dimensions of the body, they matter. हम अगर material property की बात करते हैं, हम इस वक्त chapter जो कर रहे हैं वो chapter 3 है आपकी book का. इसको अगर हम एक नाम दें तो mechanical properties of material, ये हमारा एक बड़ा topic है. तो mechanical properties of materials. We deal with properties of structures all the time, yes. But उसमें जब material का जो element आएगा, उसमें it should be independent of dimensions. तो independent of dimension force नहीं होती. मैं एक बार फिर बोल दूँ, I think it's clear, but I still tell you again, one more time, no harm. 200 newton मैं steel के ऊपर लगाऊँगा एक खास उसके ऊपर, तो उसकी एक खास deflection होगी definitely material की. But वो डिफ्लेक्शन विल बी अ मैटर ऑफ, इट्स अ फंक्शन ऑफ हाउ मच क्रॉस सेक्शन इज देयर. मैं अगर उसकी थिन सी वायर पे लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, अगर मैं बहुत थिक वायर ले लूँ उस तो वही 200 लगाऊँ तो बहुत मामूली सी डिफ्लेक्शन होगी. सो जो चीज़ डिपेंडेंट है डायमेंशंस पे वो मटीरियल प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती, वो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी हो सकती है. यस, मटीरियल प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती. मटीरियल प्रॉपर्टी को जब मैं आइसोलेट करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट एरिया वेरिएबल. तो क्या करता हूँ, मैं जितनी फोर्स लगाता हूँ उसको जो मैं एरिया से डिवाइड कर लेता हूँ. नाउ आई गेट अ नंबर विच हैज एवरीथिंग टू डू विद द मटीरियल, बिकॉज उसी मटीरियल को मैं जब डबल कर लूँगा तो मुझे फोर्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा चाहिए होगी फॉर द सेम डिफ्लेक्शन. ठीक है ना, वहाँ पे एक नंबर बन जाएगा. नाउ वी कम टू द अदर पॉइंट, स्ट्रेन. वाई नॉट डिफ्लेक्शन, वाई स्ट्रेन? बिकॉज डिफ्लेक्शन गिव्स यू चेंज इन लेंथ, दैट्स इट. जाहिर है वो पतली वायर का चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा, वो उसी फोर्स के साथ आप वायर बढ़ाते जाएँ डायमीटर, उसकी चेंज इन लेंथ कम होती है. लेंथ बढ़ाते जाएँ. मैं अभी चेंज इन लेंथ की बात करूँ, एक बड़ी लेंथ को मैं वही फोर्स लगाता हूँ तो उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा आता है. एक छोटी सी लेंथ हो उसको मैं लगाता हूँ उसमें चेंज इन लेंथ कम आएगा. जाहिर है यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक डिस्टेंसेज की बात करें. एक बड़ी सी वायर इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स. हर बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, हर बॉन्ड थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अब वो जितने बॉन्ड्स हैं मल्टीप्लाइड बाय ईच इंक्रीज ऑफ ईच लेंथ, तो वो आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिलती है. तो अगर एक बॉडी में बॉन्ड है ही कम, यानी कि वो छोटी बॉडी है, तो उसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम होगी. एक बॉडी ज़्यादा है बड़ी, उसमें ज़्यादा होगी. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मटीरियल प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ. नाउ व्हेन वी डिवाइड दिस चेंज इन लेंथ बाय मटीरियल द टोटल लेंथ, देन इट्स अ मटीरियल प्रॉपर्टी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए. बाकी दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देन विल मूव ऑन. नंबर वन, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मटेरियल की स्ट्रेंथ है और एक है स्टिफनेस. बड़ी जो प्रॉपर्टीज है ना वो तो ये है, और भी चीजें आएंगी, बट कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू? स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में क्या फर्क होता है? एनीबडी? दिस इज की टू आवर सब्जेक्ट. आम बंदे से पूछेंगे यहाँ बड़ा स्ट्रांग है, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, स्टफ है. यहाँ टफ भी डाल लेते हैं, ऑल्दो हमारा कोई डायरेक्ट लिंक इस सब्जेक्ट में नहीं है उसके साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए. हार्ड, चलें ये भी डाल देते हैं. आम इंसान से आप कहें ना, वो कहेगा यार ये सारी एक ही जैसी चीज होती है. बट आई डोंट थिंक सो. इन मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल सर्टनली नॉट. व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्टिफनेस? बताइए स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में क्या फर्क होता है? स्टिफनेस में तो यानी वो हार्डनेस आ जाएगी ना, यानी वो चीज़ डिफॉर्म नहीं होगी. लेकिन हो सकता है कोई चीज़ बहुत डिफॉर्म करती हो लेकिन वो टूटे ना, यानी वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, जैसे रबड़ वगैरह कह सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. काफ़ी हद तक अब हार्डनेस को ना डालें बीच में तो आपका आंसर ठीक है. मैंने एक चीज़ को खींचा, एक खास फोर्स लगाई, कितनी एक्सटेंशन होगी इसमें? चेंज इन लेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स, ये स्टिफनेस. वही जो हुक ने बात की थी ये, ठीक है ना? लेकिन हम उसको स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, अब मैंने बहस कर दी कि क्यों हम फोर्स की जगह स्ट्रेस यूज करते हैं इसकी जगह. बट यस, ये जो रेशियो है ना, और ये रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? टेंसाइल टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है. टेंसाइल टेस्ट में ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब कर्व कराते हैं तो ये शुरू का जो लीनियर पोर्शन है इसका जो स्लोप होता है ये इसकी स्टिफनेस होती है. कितनी फोर्स लगाई और कितना एक्सटेंड? जाहिर है एक बॉडी ये है, ये रबर की एग्जांपल ले लें, स्टील की एग्जांपल आप लें तो ये होगा. जाहिर है वो भी लीनियर है बट उसकी जाहिर है बहुत ज़्यादा फोर्स के, वही स्ट्रेन जो इसमें
इतना स्ट्रेन इतनी फोर्स पे आ गया, तो इस पे इतना स्ट्रेन लाने के लिए आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब ऑब्वियस ही बात, ठीक है। दिस इज स्टिफनेस। स्ट्रेंथ क्या है? एक खास पॉइंट तक तो ये लीनियर चलेगा, उसके बाद किसी ना किसी पॉइंट पे जहाँ वो यील्ड कर जाते, यील्ड मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गई। इसके बाद भी आगे बहुत कुछ होता है, बट एंड यू नो अबाउट दैट, बट ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड कर गया ना, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीड कर गई। नाउ दिस, अगर आप मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे यील्ड कर जाता है। वी वॉन्ट टू डिजाइन आर सिस्टम समवेयर हियर, ठीक है। तो स्टिफनेस उसका जो स्लोप है वो है, और स्ट्रेंथ जहाँ पे जिसके बाद वो यील्ड करते हैं, ये दो अलग अलग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेट्स से बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो जाके यील्ड करता है, लेकिन स्टिफनेस इतनी नहीं है। आप इसको अप्लाई करते हैं लोड, एक्सटेंड करते हैं, लोड हटाते हैं तो वो यील्ड नहीं करता, वापस आ जाता है, बट वो रबर की तरह जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता है छोटे से फोर्स के लिए, उसकी स्टिफनेस कम है, स्ट्रेंथ उसकी ठीक है, ठीक है। इट कुड बी अदर वे अराउंड, बट यू हैव टू कीप बोथ थिंग्स इन माइंड, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक टफनेस का ताल्लुक है, टफनेस डायरेक्टली लिंक तो नहीं है इसके साथ, कोर्स के साथ, लेकिन आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वॉच अ मूवी, छोटी सी मूवी देखते हैं, एंड देन विल कम बैक टू इट, ठीक है जी। लेट मी शेयर द मूवी नाउ। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? फिल्म को नजर आ रही है? टेंसाइल टेस्ट लिखा हुआ? यस सर। ओके गुड, ये देखिए आवाज भी आ रही है इसकी, म्यूजिक सा? नहीं सर, म्यूट है, आई गेस आपने अलाउ नहीं किया होगा टीम्स पर, वहां पर बस सिस्टम ऑडियो अलाउ करनी होती है। तो 10 फाइल्स है, आ रहे टेंसाइल टेस्ट? अब आ रहा है, अब आ रहा है। विद यील्ड पॉइंट फिनोमेनन, इन द फर्स्ट टेंसाइल टेस्ट द प्लेन कार्बन स्टील विद यील्ड पॉइंट फिनोमेनन इज टेस्टेड। दिस इज द टेस्ट, इट हैज सिलिंड्रिकल टेंशन विद एन ओरिजिनल डायमीटर। Thank you.
Okay. A question. If we are interested in designing something, I'll come to this test a little later, but we are. जी बोलिए इसको लाइक एलएमएस पे अपलोड कर देंगे टीम्स पे आगे प्रॉपर्ली देख लिया दे बाद में चलें ये भी कर लेंगे अटक भी रहती है वगैरह चलें कर लेंगे चलें कर लेंगे ठीक है अच्छा अब ये देखें वील बी इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग समथिंग अप टू द यील्ड स्ट्रेंथ यानी हमें लीनियर रेजिम से बाहर नहीं जाना ठीक है अच्छा अगर ये हमें तो ये स्ट्रेंथ में हम फोर्स को डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल एरिया से तो वी गेट द स्ट्रेस यानी स्ट्रेंथ लेवल न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर माय क्वेश्चन इज अगर हम ये ना करते आपको ये बताता कि एफ इस वक्त 50,000 न्यूटन है फॉर एग्जांपल जिस वक्त ये यील्ड करता है मटीरियल व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉब्लम विद दिस सिचुएशन एक मसला है बहुत बड़ा हमने डिजाइन जो करना है वो उसकी उसका जो डायमीटर है वो यही डायमीटर तो नहीं होगा नेसेसरली जो टेंसाइल टेस्ट में यूज हुआ 50 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर रियल वर्ल्ड में तो वी मे बी यूजिंग अ सर्कुलर थिंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी लेंथ एनी डायमेंशन तो अगर ये फोर्स में हमें मिल जाए तो वो तो फिर सिर्फ 50 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर डाया के स्टील स्पेसिमेन के लिए होगा ना हमारे लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है बट बिकॉज वी गेट द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस दैट इज डिवाइडेड बाय द एरिया सो एरिया गोज आउट ऑफ द इक्वेशन सो नाउ इन दैट केस हम अपनी बॉडी लेंगे उसका हम स्ट्रेस निकाल लेंगे इफ दैट स्ट्रेस इज लेस देन दिस व्हाटएवर दिस वैल्यू इज हम कहेंगे यील्ड नहीं हो रहा अगर उससे ज्यादा तो हम कहेंगे यील्ड हो रहा है फेल हो रहा है ठीक है ना एक तो ये पॉइंट दूसरा इस प्रोसेस में आपने इस वीडियो में दो टाइप के मटीरियल देखे एक मटीरियल वो था ये आप पढ़ चुके हैं मटीरियल साइंस में सो वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल बट एक मटीरियल वो है जिसमें एक डिफाइंड यील्ड स्ट्रेंथ होता है यानी एक खास स्ट्रेस के ऊपर वो काफ़ी हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसके बाद जाके जो भी होता है वो बाद हमारे लिए तो यील्ड कर गया ना इट्स वेरी इजी टू लोकेट दिस ठीक है इसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं बिकॉज द पॉइंट कैन बी लोकेटेड ये होते हैं जैसे माइल्ड स्टील इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस इसके लिए आपको बड़े आराम से ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे यू कैन रीड इट देयर आर अदर मटीरियल फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम अलॉयज उसमें देखें यहाँ पे देखें ना प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल वाला पोर्शन और उसके बाद फिर ये ऐसे हो गया ठीक है उसमें क्या होता है जी जी बोले लिख रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा अच्छा सॉरी ओके अच्छा नहीं मैंने मैंने शेयर नहीं किया ओके गो बैक अगेन यस ओके 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 कम बैक अगेन अब नजर आ रहा है जी सर आप ओके ओके अगर ये लेफ्ट वाला अभी हमने जो वीडियो देखी उसमें एक मटेरियल था जो इसमें बड़ा डिफाइंड एक यील्ड स्ट्रेंथ था यील्ड पॉइंट यानी पहले लीनियर रेजिम उसके बाद फिर यील्डिंग और उसके बाद फिर स्ट्रेन हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग हमारे इस वक्त इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं है यील्ड कर गया इट हैज फेल्ड बट इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट दिस पॉइंट क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्नर बनता है ठीक है ये माइल्ड स्टील में टिपिकल एग्जाम्पल है सो वील यूज दिस पॉइंट एज आर लिमिट बट वेन इट कम्स टू फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम अलॉयज उसमें एक तो लीनियर रेजिम है ठीक है उसके बाद वो एक खास पॉइंट के बाद ना वो हल्का हल्का कर्व होना शुरू होता है और देयर इज नो स्पेशल वन पॉइंट जिसको आप कहें कि अच्छा यहाँ पे यील्ड कर गया या यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वी डोंट नो क्योंकि वो ग्रेजुअली ऐसा से चेंज हो रहा है तो एक लीनियर से नॉन लीनियर रेजिम में वो जाता है बट वेरी ग्रेजुअली कोई उसमें एक डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है जैसे यहाँ है सो वॉट वी डू इज इन दिस केस जो अभी मैं रेपिटेशन ही कर रहा हूँ वो ये है कि 0.2% ऑफसेट स्ट्रेन मेथड हम यूज करते हैं यानी हम क्या करते हैं ये स्ट्रेन है तो यहाँ पे 0.2 पे स्ट्रेन पे कट करते हैं 0.2% पे यानी कि 0.002 पे और स्ट्रेन वैल्यू एंड देन वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल लीनियर रेजिम यहाँ पे तो लीनियर है इसमें कोई शक नहीं है और वो जहाँ पे कट करता है उसको हम सर ये 0.2 हमने खुद से लिया था ये हमारा एक कन्वेंशन है इट कुड बी इन सम टाइम्स इट इज 0.1 ये आप मेंशन करते हैं यानी आप जब टेस्ट जब जो भी आप पब्लिश करेंगे ना अपने रिजल्ट्स
तो आप अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एल्युमिनियम के इस ग्रेड के लिए इसकी वैल्यू अराउंड 150 MPa है, फॉर एग्जांपल प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं इसको, प्रूफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं, 0.2% ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं, जो भी आप कहेंगे साथ आप बताएंगे ये 0.2% है या 0.1%, यानी ये कोई कहीं से उतरी नहीं है चीज़, ये हमने खुद डिसाइड की कि यार एक स्टैंडर्ड बनाना है तो क्या करें, तो जनरली स्पीकिंग 0.2% होता है, वरना 0.1% भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारा एक डिसीजन है विच वी टेक, कुछ भी हो सकता है वैसे, बट जनरली स्पीकिंग दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर कोई हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है जिस पर हम कह सकें कि किस पॉइंट, जिस तरह माइल्ड शील्ड में तो पॉइंट है ना इधर यील्ड कर रहा है, तो यू कैन रीड इट ऑफ द चार्ट डायरेक्टली, कोई उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ऐसा नहीं होती। ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच डीड्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस, और वो ये है कि अब हम चूंकि स्ट्रेंथ की बात भी कर ली, स्टिफनेस की बात भी कर ली, यू नो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इनमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, नंबर वन वो ये कि जो स्टील जो हम प्रिडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टील आपको पता है कि मेटल्स में हमने काम करना ज़्यादा इस कोर्स में, और उसमें भी स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ऑल दो एल्युमिनियम वगैरह भी हम यूज़ करेंगे। तो एक बात बस याद रखिए वो ये कि स्टील का जो स्टिफनेस है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इस पोर्शन की, ये स्लोप, इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, वो आप याद रखिएगा हमेशा 200 GPa होगा प्लस माइनस सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 195 हो सकता है, 210 तक हो सकता है, बट जनरली स्पीकिंग ये नंबर यू हैव टू मेमोराइज। ये मैं किसी एग्जाम में नहीं दूंगा, एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि स्टील का यंग मॉडुलस क्या है, 200 GPa। मज़े की बात ये देखिए, स्टील के बहुत सारे ग्रेड्स हैं, कंपोजिशन आपने पढ़ा हुआ है मटेरियल साइंस में, कि सम विल यील्ड हेयर, कुछ हैं वो आगे जाके यील्ड करेंगे, कुछ और आगे जाके यील्ड करेंगे। अब ये हम स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो जल्दी यील्ड कर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत आगे जाके टूटते हैं। जैसे जैसे आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं बाई हीट ट्रीटमेंट, बाय कंपोजिशन, वॉट एवर कार्बन कंटेंट, ये सारा कुछ इसमें शामिल है, तो फिर वो जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। जल्दी से मरार यील्ड तो हाई लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक, यील्ड होना और चीज़ है, ब्रेक होना और चीज़ है। बढ़ाते जाए बढ़ाते एक पॉइंट आएगा बिल्कुल बहुत हाई स्ट्रेंथ, जो हाई स्ट्रेंथ वाले हैं वो अगर आप देखें तो वो बहुत ऊपर जाके यील्ड करेंगे, बट उसके थोड़ी देर बाद ही टूट जाते हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाय हीट ट्रीटमेंट, बाय कंपोजिशन, आपने इसकी यील्ड स्ट्रेंथ की कितनी वैरायटी हासिल कर ली, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी डिफरेंट है, बट ये जो कॉमन बात क्या है, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एवरी स्टील विल ऑलवेज बी 200। इसमें हम बहस में जा सकते हैं कि क्यों ऐसे होता है, हीट ट्रीटमेंट का इस पर कोई असर नहीं होता, कॉम्पोजिशन का इस पर कोई असर नहीं होता, ये मोर और लेस 200 GPa ही रहता है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी स्टिफनेस जिसको आप चेंज नहीं कर सकते स्टील की, स्ट्रेंथ को आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप डक्टिलिटी की तरफ चले जाएं तो जो उसकी यील्डिंग जल्दी हो जाएगी, बट उसके बाद वो टूटेगा नहीं, यील्ड जल्दी कर जाएगा बट उसके बाद वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, बहुत एक्सटेंशन आ जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती जाएगी, एंड इट विल ब्रेक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑन द अदर हैंड हाई स्ट्रेंथ मटीरियल वो यील्ड ही बड़ा लेट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर, बट वंस दे यील्ड उसके बाद ज़्यादा उसमें खींचातानी नहीं फिर होती, वो ब्रिटल के करीब चले जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये आपने गुफ्तगू सुन ली तो अब ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है, ब्रेक होने तक एरिया अंडर द कर्व, ये वो एनर्जी है जो वो स्टोर कर रहा है अपने अंदर बिफोर, या डिसिपेट कर रहा है, स्टोर नहीं डिसिपेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ डिसलोकेशन। आप पढ़ चुके हैं, दिस इज टफनेस ऑफ अ मटीरियल। टफ मटीरियल्स आर दोज विच टेक इन अ लॉट ऑफ एनर्जी बिफोर ब्रेकिंग, वो एकदम ब्रेक नहीं करते, वो आपको वार्निंग देते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
बहुत डिफॉर्म हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाता है कि ब्रेक हो जाएंगे, फिर जाके ये कहीं ब्रेक होते हैं, ये टफ मटेरियल होते हैं। जो टफ मटेरियल नहीं है वो हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रेंथ इज समथिंग एल्स। एक मटेरियल यहाँ पे जाके ब्रेक कर रहा है, बहुत ऊपर स्ट्रेंथ पे जाके यील्ड कर रहा है, तो स्ट्रांग तो वो बहुत है, लेकिन जैसे ही वो यील्ड करता है साथ ही टूट जाता है बस, तो उसने जो एरिया अंडर द कर्व है वो बहुत कम है उसके अंदर। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ये बात याद रखिएगा कि ये जो माइल्ड स्टील है, ये दिस वन जो नीचे वाला, दिस इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ इंजीनियर्स बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस। टफनेस एक ऐसी क्वालिटी है विच इज द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वालिटी इन इंजीनियरिंग मटीरियल, नॉट नेसेसरीली स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो बहुत सारे मटीरियल्स की, ग्लास की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, ग्लास की स्ट्रेंथ को इतनी फर्क नहीं है स्टील से, स्ट्रेंथ वाइज में बता रहा हूँ, बट ग्लास में एनर्जी डिसिपेशन मैकेनिज्म नहीं है, उस पर हल्का सा थोड़ा सा एक एनर्जी आप खासतौर पर हैमर से उस पर लगाएं तो वो टूट जाता है। वैसे एक्सटेंड उसको आराम आराम से करेंगे तो वो भी काफ़ी एक्सटेंड, फिर ब्रेक नहीं होता इतना आराम से, बट बाय सडन इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी उसमें टफनेस नहीं है, विच इज अ वेरी बैड क्वालिटी इन इंजीनियरिंग, दैट इज वाई ग्लास इज नॉट एन इंजीनियरिंग मटीरियल, स्टील इज, ठीक है ना। ये तो एक एक बात हो गई इसमें। ऑल्दो दैट सेड, टफनेस हमारे इस कोर्स में कोई खास ज़्यादा यूज नहीं होगी। वाई, पहले भी आपसे बात की, वी विल बी इंटरेस्टेड इन हाउ स्टिफ अ मटीरियल इज, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्लोप एंड वेयर दिस लीनियर रिजीम एंड्स यील्डिंग टेक्स प्लेस, वेदर इट्स अ डिस्टिंक्ट यील्डिंग पॉइंट लाइक इन स्टील और लाइक इन एल्यूमिनियम, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके किसी पॉइंट पर ऐसे हो जाता है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट, बट हम 0.2% स्ट्रेन से उसको कैलकुलेट कर, वट एवर द सिचुएशन इज, हमारे लिए इफ दिस पॉइंट इज रीच्ड इट हैज फेल्ड, सो वील डिजाइन एवरीथिंग इन दिस रिजीम। आगे चल के आप फ्रैक्चर मैकेनिक्स, इस तरह की कोर्सेज, मशीन डिजाइन वगैरह ये चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली यहाँ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल, ये हमारा पहला डिजाइन का कोर्स है, सो वी आर ओनली गोइंग टू डिजाइन बिफोर यील्डिंग। ये बात याद रखिएगा, यील्डिंग से पहले पहले हमने डिजाइन करना है। तो हमारे लिए जो दो क्वालिटीज है ना, वो स्ट्रेंथ है यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ, नॉट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ उस पर टूट जाता है, टूट रहा तो बहुत दूर की बात है, हमने यील्ड भी नहीं होने देना, एक चीज। नंबर टू, इसकी स्टिफनेस, डिफ्लेक्शन कितनी होगी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट आपने यहां तक लोड किया, प्रोपोर्शनलिटी मिलती है, यील्ड यहां पर हो रहा है, तो आपने लोड किया, अनलोड किया तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व, बट इट कुड बी द केस वेयर अ मटीरियल इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल लाइक दिस, थोड़े से स्ट्रेस पे कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसमें हो सकता है कि ये आप लोड करें तो इतनी डिफ्लेक्शन हो जाए कि आप कहें कि ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा फंक्शन है इस बॉडी का, वो पूरा ही नहीं हो सकता इस तरह की बॉडी से, यानी इट्स टू फ्लेक्सिबल। Although when you remove the load, it comes back to its original yielding नहीं हो रही, but आप कहें नहीं मुझे stiffer material चाहिए, then you will go for material like this, so that there is less deformation, strain से जो हम बात कर रहे हैं, for a given stress value, ठीक। तो हमारे लिए जो ये मैं बार बार repeat इसलिए कर रहा हूँ कि it should be of interest to you what toughness is and how it is different from strength and stiffness, they are completely different things, but having said that, टफनेस हमारे इस कोर्स में फीचर नहीं करेगा इसके बाद, क्योंकि आप फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे टफनेस किधर गया, वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे ही नहीं। हमारे स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ये बात जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है जी। ये तो एक बात हो गई। हार्डनेस, व्हाट इज हार्डनेस जी, दैट इज गेट अनदर थिंग। ना वो टफनेस है, ना वो स्ट्रेंथ है, ना वो स्टिफनेस है, ना एज सच हार्डनेस कोई मटीरियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो हार्डनेस भी अगेन इट्स अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रेंथ उसका लिंक बनता है थोड़ा सा, बट इट इज़ डिफरेंट। वो ये है कि वेयर एक बॉडी होती है कि नहीं होती, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो पेनेट्रेशन को बॉडी एक्सेप्ट करती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंडेंटर किसी बॉडी में पुश किया तो वो कितना उसमें खड्डा डालेगा, दैट इज़ हार्डनेस। इट इज़ सम वॉट रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, उसका एक स्टील के केस में खासतौर पर एक कन्वर्जन फैक्टर भी है, बट जनरली स्पीकिंग ये कोई मटीरियल प्रॉपर्टी नहीं है। आप सर्फेस की क्वेंचिंग वगैरह करके सरफेस को ऐसा हार्ड कर सकते हैं कि इट विच हैज नथिंग टू डू विद द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, सो इट्स काइंड ऑफ अ
हाइब्रिड काइंड ऑफ क्वालिटी, तो इसको जरा अलग रखिएगा, ठीक है ना। जब आपने किसी बॉडी की बात करनी है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वी कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। व्हेन वी से कि इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स के बाद वो बहुत कम डिफॉर्म होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होती है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस काइंड ऑफ बॉडी एज अपोज टू दिस काइंड ऑफ बॉडी। ये ब्लू वाली बॉडी फ्लेक्सिबल है, ये दोनों बॉडीज जब यू रिमूव द लोड दे कम बैक टू द ओरिजिनल जीरो, बट ये रेड वाली बॉडी फॉर अ गिवन स्ट्रेस, फॉर अ गिवन स्ट्रेस रेड बॉडी में बहुत कम डिफॉर्मेशन होती है, फॉर द सेम स्ट्रेस ब्लू बॉडी में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होती है। Although both are recoverable, you remove the load, they'll come back. But in some cases, this blue body will not do the work. It's too flexible. ये yield नहीं करेगा, yield और चीज़ है। Yield तो है कि जहाँ पे आप load remove कर लें और वो उसमें deformation persist कर जाए, वो और चीज़ है, वो तो fail है ही है, ठीक है ना। हम अभी बात कर रहे हैं कि load remove करेंगे, it comes back to the unloaded situation, but when the load was applied, it had too much deflection. ये आपकी बिल्कुल ये बातें क्लियर रखनी है आपने, इन चीज़ों को बिल्कुल आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो आई जस्ट गिव यू वन मोर पॉइंटर हेयर एंड देन आज का क्लास तो खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में विल जस्ट टेक 20 मिनट्स टू फिनिश दिस टॉपिक एंड देन वील कम टू द रियल जो हमारा काम है मैकेनिज्म मटेरियल। इससे पहले तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन किया, इस क्लास में और अगली क्लास के कुछ देर तो हम सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज जो हमने करने भी नहीं है वो लैब में कुछ लोग करते हैं, वी टेक दोस। इसके बाद इन सबको मिला के हमने कैसे डिजाइन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो रियल काम तो अगली क्लास से शुरू होगा। बट जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, और वो ये है कि हमें इस बात में वैसे क्लियर होना चाहिए कि बिफोर यील्डिंग टेक्स प्लेस, इससे ज़रा सा पहले एक पॉइंट ए होता है और उसके बाद एक पॉइंट बी होता है और उसके बाद ये पॉइंट सी होता है। ये सी हमारा यील्ड पॉइंट है जिस पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। ए पॉइंट वो होता है जिस पे प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए के बाद थोड़ा सा एक नॉन लीनियर इलास्टिक, ये तो है इलास्टिक और लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन और इलास्टिक मतलब आप रिमूव करेंगे लोड तो वापस आ जाएगा। उसके बाद एक पोर्शन नॉन लीनियर इलास्टिक का भी आता है, नॉन लीनियर इलास्टिक, उसमें क्या होता है वो लीनियर तो नहीं रहा बट यहाँ तक भी आप लोड कर देंगे तो रिमूव द लोड वापस जाएं तो ये बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा, यानी लीनियर नहीं रहा वहाँ बट वो इलास्टिक अभी भी है। और इसके आगे जाके, इसके बहुत करीब आगे जाके फिर वो पॉइंट आ रहा है जिसके बाद फिर उसके बाद आप जब इसको रोड को इधर रिमूव करेंगे तो ये वापस ऐसे नहीं आएगा, इट वॉन्ट कम लाइक दिस, इट विल कम बैक लाइक दिस, तो ये ऑफसेट रह जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ये यहाँ तक ये आपको पता है कि आप प्लास्टिक रिजीम में जाने के बाद लोड रिमूव करें तो क्या होता है। बट माई पॉइंट हेयर बीइंग ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ना, ये इतने करीब होते हैं सी के, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज हम इन सब पॉइंट्स को मतलब हम इसमें डिटेल में जा सकते हैं कि ये एक सारी डिटेल जो है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक मटेरियल जो है ना बस वो ये है, ये ए बी सी सब यही है हमारे पॉइंट, इसको हम यील्ड कहेंगे। हमने इतनी डिटेल्स में नहीं जाना कि यहाँ पे नॉन लीनियर इलास्टिक लीनियर इलास्टिक, हमारे लिए एक इलास्टिक रिजीम है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी हमारे लिए वही है, उसी लेवल तक प्रोपोर्शन, ऑल्दो टेक्निकली हमें पता तरह से पहले खत्म हो जाती है प्रोपोर्शनल लिमिट, इतने करीब करीब ये पॉइंट्स हैं कि दिस काइंड ऑफ नुएंस इज नॉट नीडेड एज फार एज वी आर कंसर्न, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हम हो गई, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक दो चीज़ें डिफाइन करनी है, वो हम करके तो इंशाल्लाह असल हमारी प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्टेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोडिंग्स, ठीक है। तो प्रिलिमिनरीज आप समझें कि अगली क्लास में 20 मिनट्स में मैक्सिमम हम ख़त्म करके तो वील कम बैक कम टू द ओरिजिनल जो हमने करना है असल काम, ये सारी अभी तैयारी हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, वो आई अपोलोजाइज, वो जो मैंने वीडियोस वादा किया था वो बन गई हैं बट वो अपलोड नहीं हो सकी, आई विल अपलोड देम।